अंतिम संस्कार, मृत शरीर का दाह संस्कार करना क्यों आवश्यक है? हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का पालन किया जाता है, जिनमें 16वें संस्कार को अंतिम संस्कार का नाम दिया गया है। इस संस्कार को दाह संस्कार, शमशान कर्म तथा अंत्येष्टि क्रिया आदि भी कहते हैं। मृत व्यक्ति की इस अंतिम विदाई और दाह संस्कार आदि सम्मिलित कार्य को क्रिया कर्म भी कहा जाता है। मृत्यु के बाद से होने वाले इन सभी कार्यों से लेकर घर की शुद्धि आदि तक के सभी कार्य इस संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। विभिन्न शास्त्रों और गरुण पुराण में अंतिम संस्कार से संबंधित सारी बातों का वर्णन किया गया है, जिनका पालन करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है तथा उसके अगले जीवन में प्रवेश का रास्ता भी सरल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है तो व्यक्ति की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं और व्यक्ति की आत्मा को इस संसार के सभी मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा ही किया जाता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति को मृत्यु के बाद लकड़ी की चिता पर रखा जाता है और मुखाग्नि दी जाती है। मुखाग्नि के बाद ही मृत शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मृत शरीर के मुख पर चंदन की लकड़ी रखकर दाह संस्कार करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तथा मृतक को स्वर्ग में भी चंदन की शीतलता प्राप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू रिवाजों और संस्कारों के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण भी अवश्य छिपा होता है, इसीलिए चंदन की लकड़ी का दाह संस्कार के समय प्रयोग किए जाने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। असल में मृत शरीर का दाह संस्कार करते समय मांस और हड्डियों के जलने से वातावरण में अत्यंत तीव्र दुर्गंध फैलती है, इसलिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से वातावरण में दुर्गंध का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। दाह संस्कार के बीच में मृतक को बांस से बनी जिस शैया पर लिटाकर शमशान तक ले जाया जाता है, उसी शैया के एक बांस से जलते हुए शव के सिर पर चोट की जाती है, जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया के पीछे ये मान्यता है कि इससे सांसारिक मोह में फंसी आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है। दाह संस्कार के समय एक छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता की परिक्रमा की जाती है और अंत में पीछे की ओर पलटकर उसे फोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग हो जाता है। इस क्रिया के पीछे जीवन का एक दर्शन भी छिपा है, जो ये व्यक्त करता है कि मनुष्य का जीवन एक ऐसे ही घड़े के समान है, जिसके छेद से आयु रूपी पानी हर क्षण कम होता रहता है। मृत शरीर पूरी तरह अग्नि में जल जाने के बाद अस्थियों को जमा किया जाता है। इस कार्य को फूल चुगना भी कहा जाता है। इसके बाद इन अस्थियों को निर्धारित समय पर किसी नदी में, विशेष रूप से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत न मानकर एक नए जीवन का आरंभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार के बाद ही मृत शरीर की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर पुनः किसी नए शरीर को धारण कर लेती है। मान्यता ये भी है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता और यदि मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन सुबह ही करना चाहिए। गरुण पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष होने की संभावना भी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के साथ ही स्वर्ग के कपाट बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं, इसीलिए सूर्यास्त से पूर्व ही अंतिम संस्कार करने पर मृतात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और रात के समय अंतिम संस्कार करने पर नरक में जाना पड़ता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद यदि किसी की मृत्यु होती है तो मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि इससे मृतक के खाली शरीर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार मृत शरीर को तुलसी के पौधे के पास रखने का भी प्रावधान है। दाह संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों का सिर मुंडाया जाता है।
दाह संस्कार और क्रिया कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद मृत व्यक्ति का पिंडदान करना भी अति आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पिंडदान से ही आत्मा को आगे चलने की शक्ति प्राप्त होती है। इस संस्कार और क्रिया कर्म के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए सामर्थ्य अनुसार दान भी किया जाता है तथा ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को अपने मृत शरीर के प्रति मोह के साथ साथ पारिवारिक और सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। आशा है कि नारद वाणी के वीडियो आपको अवश्य पसंद आ रहे होंगे। अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नारद वाणी की ओर से नमस्कार।